हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आयरलैंड वर्सेस इंडिया के बीच में होने वाली सेकंड इंटरनेशनल टी20 की बात करेंगे। तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। तो बात करते हैं इस मैच की। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल के ऊपर कवर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ से आपको और भी कई सारी टूर्नामेंट्स के वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि ACA वुमेंस टी20 कवर कर रहे हैं हम लोग, इनके साथ साथ यहाँ पर APL टी20 कवर कर रहे हैं, इनके साथ साथ और भी कई सारे टूर्नामेंट्स के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की। तो ये मैच शाम को 7:30 पर द विलेज मलाहाइट डबलिन आयरलैंड में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ पर बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच है, रन्स जबरदस्त बनते हैं यहाँ पर, 160 के प्लस आराम से स्कोर बन सकता है। अगर यहाँ पर इंडिया पहले बैटिंग करवाएगी तो 90% चांसेस है कि स्कोर यहाँ पर 200 पार जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि काफ़ी रन्स अच्छे बनते हैं। विकेट्स 13-15 मैंने मैक्सिमम गिरी, लेकिन यहाँ से 10-12 ही विकेट गिरेंगी। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर स्कॉटलैंड का रिकॉर्ड से 252 रन किए उन्होंने 3 विकेट कमाकर। आयरलैंड सबसे लोएस्ट स्कोर है 70 रन, लास्ट मैच के अंदर 160 प्लस किए थे इन्होंने। और यहाँ पर उम्मीद है आज के इंडिया पहले बैटिंग करवा ले, बस 16 मैच के अंदर 9 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती है, 7 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो इंडिया और आयरलैंड के बीच में 6 T20 मुकाबले हुए, जहाँ पर 6-6 यहाँ पर इंडिया ने जीते हैं। और इस ग्राउंड के ऊपर भी अभी तक टोटल 5 मैचेस हो गए, जिसमें से 5 के 5 टीम इंडिया ने ही जीती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आयरलैंड की। आयरलैंड ने लास्ट मैच खेला और डकवर्थ एंड लुईस के नियम से ही हारा। ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पर एंडी बार्बिन और पॉल स्टेलिंग दोनों बड़े नाम हैं यहाँ पर। एक वक्त था जहाँ पर बार्बिन इनके रेगुलर कप्तान हुआ करते थे, हालांकि रिसेंटली इतने अच्छे फॉर्म में है नहीं, चाहो तो उनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं, बैटिंग सेक्शन से दिखेंगे आपको। स्टीलिंग भी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन पिछले बार जब मुकाबला हुआ था यहाँ पर इंडिया और आयरलैंड का, तो ये भी शुरुआत में इतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन आखिरी में इन्होंने 1-2 मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो ध्यान में रखिएगा इन दोनों में से किसी एक प्लेयर के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हैं। बाकी लॉर्गन टकर अच्छे फॉर्म में है यहाँ पर, रिसेंटली फॉर्म इनका अच्छा है, लेकिन दिखेंगे आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से, चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कंडीशन है, अगर यहाँ पर आयरलैंड पहले बैटिंग करवाएंगे तो हम लोग यहाँ पर लॉर्गन टकर को ही लेके जाएंगे, अगर इंडिया पहले बैटिंग करवाएंगे तो यहाँ पर संजू सैमसन को लेके जाएंगे। दो ऑप्शन है हमारे पास विकेट कीपिंग सेक्शन से, क्योंकि लॉर्गन टकर यहाँ पर लास्ट मैच के अंदर 0 पे आउट हो गए, लेकिन रिसेंटली फॉर्म अच्छा है और इनकी बैटिंग आएगी 100%, ये तो सबको मालूम, क्योंकि 1 डाउन बैटिंग करवाते हैं। हैरी टेक्टर की बात करते तो भाई खेतों में चले नहीं, यहाँ पर लास्ट मैच के अंदर 9 रन किए, बाकी 102 मैच के अंदर करीबन 24 के एवरेज से 1700 से ज़्यादा रन है, भरोसा कर सकते हैं अपन, लेके जा सकते हैं। कुर्तिस चैम्परल ने लास्ट मैच में 39 रन किए। देखो ये भाई साहब ना यहाँ पर ओवर्स भी करवाते हैं यहाँ पर, क्योंकि लास्ट मैच के अंदर आई थिंक यहाँ पर 6 या 7 ओवर्स की गेंदबाजी हुई थी और इसके बाद मौसम बिगड़ा और मौसम के चलते यहाँ पर DNL के नियम से यहाँ पर मैच जीती गई, टीम इंडिया ने मैच जीत लिया आसानी से। तो यहाँ से देखो ये भाई साहब ओवर्स करेंगे, इसके साथ साथ यहाँ से जॉर्ज डॉकरेल भी कम से कम 1-2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाएंगे। तो चैम्पर को तो हम लोग लेके जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बाकी यहाँ पर डॉकरेल को आप लोग रिस्क के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा ऐसे मार्क अडेर वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर और इनको मैं मिस नहीं करता, किसी भी मैच के अंदर हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा हम लोग इनको एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन या वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की जरूर रहेगा, लेकिन मेरा इनके ऊपर भरोसा है, क्योंकि ये बैटिंग भी ठीक ठाक करवा लेता है और ओवर्स 4 पूरी करेगा, जिसमें से 2 स्टार्टिंग में पावर प्ले में करवाएगा और 2 यहाँ पर डेथ होस में करवाएगा, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। इनके अलावा से मैककार्थी ने लास्ट मैच के अंदर 51 रन किए थे, बैटिंग से तो कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन बॉलिंग से आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे जाता है, इनको आप लोग डिफरेंशियल में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। बाकी लिटल और यंग दोनों में से किसी एक को जरूर लेना है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर पूरी ओवर्स करवाएंगे और दोनों यहाँ पर रिसेंटली अच्छे फॉर्म में। तो और क्रेग यंग की बात करो तो क्रेग यंग यहाँ पर टीम इंडिया के सामने हमेशा अच्छा करते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 2 विकेट इन्होंने लास्ट मैच के अंदर सिर्फ 5 गेंदों में निकाल ली थी, तो ध्यान में रखिएगा, इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बेन वाइट भी यहाँ पर 2-3 ओवर की या फिर 3-4 ओवर की गेंदबाजी करवा सकते हैं, रिसेंटली जबरदस्त फॉर्म में आप देख सकते हैं, इस मैच से पहले यहाँ पर कंटिन्यूसली यानी बल्क में विकेट निकाली है, ओवरऑल 39 मैच के अंदर 50 विकेट है, रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर बेन वाइट के ऊपर। स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ पर मार्क अडेल और जोसवा लिटल डेथ में भी ये दोनों आएंगे, हो सकता है यहाँ पर क्रेग यंग भी आ जाए, या तो इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर
दो प्लेयर डेथ वॉच में गेंदबाजी करेंगे, मार्कडेयर, क्रेग यंग या फिर लिटल। बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग को उसी लिंक से ज्वाइन करना है। टीम इंडिया की बात करते हैं जो कि लास्ट मैच आसानी से जीत का रही, ओपनिंग में यहाँ पर यशस्वी के साथ यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने ओपनिंग करवाया, दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंस रहने वाले। इवन टीम इंडिया अगर पहले बैटिंग करवाए तो दोनों को आप लोग रोटेट करते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही अच्छे फॉर्म में हैं। हालांकि जयसवाल लास्ट मैच के अंदर आउट हो गए थे, लेकिन इनसे बड़े परफॉर्मेंस की उम्मीद आप लोग कर सकते हैं। इनके अलावा वैसे गायकवाड़ लास्ट मैच के अंदर 19 रन किए, भरोसा रहेगा इनसे बड़े परफॉर्मेंस की, तो ये दोनों इंपॉर्टेंस रहेंगे। इनके अलावा यहाँ पर तिलक वर्मा भी जबरदस्त फॉर्म में, लेकिन ये भी लास्ट मैच के अंदर अपनी विकेट गंवा चुके थे। तो यहाँ से टॉप के जो चार प्लेयर है इसमें से ये तीनों ही आपकी टीम के अंदर चाहिए, यशस्वी जयसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा। संजू सैमसन लास्ट मैच के अंदर बैटिंग के लिए आए, एक रन किया, और इनके लिए कुछ बचाना ही था, मतलब करने के लिए कुछ था नहीं यहाँ पर, क्योंकि एक रन किया और मैच यहाँ पर टीम इंडिया ने आसानी से जीत लिए। चांस था इनके पास पूरा यहाँ पर संजू सैमसन के पास, तो ट्राई कर सकते हैं ऐसे विकेट कीपिंग सेक्शन से देखेंगे। हालांकि रिसेंटली फॉर्म इतना अच्छा है नहीं, लेकिन आयरलैंड के सामने इनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी, सेफ रहेगा इनको लेके जाना। इनके अलावा वैसे रिंकू सिंह भी जबरदस्त फॉर्म में, लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे, तो आई थिंक लेके जाना थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये ना कब खेलते हैं कि आखिरी के वक्त में जब सही में प्रेशर वाला जब सिचुएशन होता है तभी खेलते हैं, और टीम इंडिया के लिए इस मैच के लिए प्रेशर आना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके लिए रिंकू सिंह भी थोड़े से रिस्की है। शिवम दुबे ने लास्ट मैच के लिए एक ही ओवर की गेंदबाजी करवाई थी, अभी के लिए लेके जाना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर जो पांच गेंदबाज है यहाँ पर सुंदर, बिश्नोई, अर्शदीप बुमराह और कृष्णा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर शायद दुबे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो इसके लिए दुबे को अगर लिए तो हम भी डूबेंगे, तो इसके लिए इनको अभी के लिए लेके जाना रिस्की रहेगा। आप लोग चाहो तो इनको रिस्क ले सकते हैं, अगर बैटिंग आएगी तो ऐसे बैटिंग से भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ओवर्स करवाए तो ऐसे बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सुंदर लास्ट मैच के अंदर इतना सुंदर परफॉर्मेंस नहीं दिए, लेकिन ओवर्स करवाई थी 3 पूरी, ध्यान रख सकते हैं बैटिंग आने पर बैटिंग से भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाकी इन चारों प्लेयर में से किसी को भी ड्रॉप नहीं करना है, बिश्नोई, अर्शदीप बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा, चारों के चारों पर रिसेंटली जबरदस्त फॉर्म है, चारों के चारों विकेट टेकर गेंदबाज है। लास्ट मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह को मैंने कैप्टन किया था, अगर आयरलैंड पहले बैटिंग करवाएगी तो उस कंडीशन में कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए यहां पर अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह दोनों बेस्ट ऑप्शन है, दोनों को हम लोग एक बार फिर से कैप्टन वाइस कैप्टन करेंगे। इवन यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा भी रिसेंटली जबरदस्त फॉर्म में, तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट प्लेयर है, किसी को भी ड्रॉप नहीं करना है। स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ पर बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह, डेथ ओवर्स में भी ये दोनों ही रहेंगे। बाकी तो बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप लोग को उसी लिंक से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अभी के लिए क्या करेंगे हम लोग, अभी के लिए सीधा जाएंगे हमारी फैंटासी टीम, देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से संजू सैमसन को लिया है, हालांकि मेरा मन है यहाँ के सैमसन को ड्रॉप करते हुए मैं ऐसे लॉरेन टकर को ले लूँ, लेकिन बुमराह है तो शायद टकर को टक्कर देंगे, इसके लिए मैं यहाँ पर टक्कर को लेना रिस्की समझ रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जयसवाल रहेंगे। बाकी आप लोग ट्रैक्टर को या बारबिन को ट्राई कर सकते हैं, या फिर स्टर्लिंग रिस्की रहेंगे, तीनों के तीनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि तीनों यहाँ पर बैटिंग काफ़ी अच्छी करवा लेते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर चैंपर रहेंगे, इनके अलावा ऐसे बॉलिंग सेक्शन में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, मार्क अडेर और बिश्नो, ये तो इंपॉर्टेंस है। बाकी मैं दो प्लेयर के बीच में कंफ्यूजन हूँ, एक है यहाँ पर जोसवा लिटल और क्रेग यंग, इन दोनों में से किसी एक को लेना है। मैंने लिया क्रेग यंग को, लेकिन आप लोग जोसवा लिटल को भी ले सकते हैं, ये भी एक अच्छी चॉइस है। टीम की बात करते हैं तो टीम के कप्तान हैं हमारे यहाँ से जसप्रीत बुमराह, वाइस कैप्टन मैंने प्रसिद्ध कृष्णा को किया है। ये किस कंडीशन में, ये यहाँ पर आयरलैंड पहले बैटिंग करवाएगी उस कंडीशन में, अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करवाएगी तो या तो मेरे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे या तो यशस्वी जायसवाल रहेंगे, इन दोनों में किसी एक को कैप्टन करना है। बाकी ग्रैंड लीग के लिए आप लोग यहाँ पर तिलक वर्मा के ऊपर भी रिस्क ले सकते हैं, भाई बंदा गजब का बैटिंग करवा लेता है, भाई ध्यान में रखिएगा इनको, और ये आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी तो टीम कुछ इस तरह से ही रहेगी, इसमें कुछ बदलाव वगैरह देखने को मिल सकते हैं, और चेंजेस तो शायद दोनों ही टीम के अंदर कुछ खास नहीं रहेंगे। शायद हो सकता है आयरलैंड एक आधा चेंजेस कर ले, लेकिन टीम इंडिया कोई चेंजेस लगभग नहीं करेंगी, तो टीम लगभग लाइनअप यही रहेंगी। बाकी कुछ चेंजेस वगैरह भी रहता है तो उसकी अपडेट भी मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप लोग को उसी लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अभी के लिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग करोगे कि आप लोग को पूरा वीडियो देखना है,
अच्छे से एनालिसिस करनी है, अच्छे से अपनी खुद की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग करते रहने। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और इसी के साथ इसका भी पूरा जो अपडेट वगैरह रहेंगे वो तो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।